Hi students, today we are going to start our first chapter of 12th class. We have two books in 12th class, Flamingo and Vistas. So we will start with Flamingo, and the first chapter is the last lesson. And the writer of that chapter is Alphonse Daudet. Let's start the chapter with the writer's introduction. Alphonse Daudet, his lifespan was, lifespan मतलब उनका जीवन काल कब से कब तक था, 1840 to 1897, यानी कि 1840 से 1897 तक, was a French novelist and a short story writer. वो क्या थे, एक French novelist थे, ये जो Alphonse है वो क्या है, French novelist हैं and short story writer हैं. The last lesson is set in the days of Franco-Persian War. अब ये जो Franco-Persian War था वो कब हुआ था, 1870 to 1871, यानी कि 1870 से 1871 तक चला था. तो ये जो द लास्ट लेसन, ये जो जो चैप्टर है, इज सेट इन द डेज, ये जो चैप्टर लिखा गया था ना, ये उन दिनों लिखा गया था जब Franco-Persian War चल रहा था 1870 से 1871 के बीच. इन विच, जिसके अंदर, ये आप वॉर की बात कर रहे हैं, Franco-Persian War जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्शिया लेड बाई बिस्मार्क. अब जो फ्रांस है वो किसके बार, किससे डिफीट हुआ था, वॉज डिफीटेड बाई पर्शिया, पर्शिया ने उसको डिफीट कर दिया था लेड बाई बिस्मार्क. और जो पर्शिया था उसको लीड, उसके वॉर को लीड कौन कर रहा था, बिस्मार्क. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. अब जो Persia है, उस वक्त का जो Persia था वो किस किस एरिया से मिलकर बना हुआ था, now are, अब आज, अगर आज की बात की जाए तो वो कौन कौन सी जगह है, nations of Germany, Poland and parts of Austria, ये तीनों जगह से मिलकर क्या जगह बनी थी, Persia. So in this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. अब ये जगह कहाँ की है, फ्रांस की है, लेकिन ये जो क्या है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है दो, एल्सेस एंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि है तो फ्रांस की, लेकिन किसके हाथ में चली गई, पर्शिया के हाथ में चली गई. क्यों, वो जीत गए थे वॉर को, हैव पास्ड इन टू पर्शियन हैंड्स, पर्शियन हैंड्स में चली गई. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट वट इफेक्ट दैट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब आप इसको पढ़िए, इस कहानी को, टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए, वट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि लाइफ, जो स्कूल लाइफ थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा इस वॉर का, इस चीज़ का, कि जो दो डिस्ट्रिक्ट थी वो जर्मनी के हाथों से निकलकर किसके, पर्शिया के हाथों में चली गई. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड of a scolding. I started for school very late. अब that morning means उस दिन, उस सुबह मैंने, उस दिन मैं जब स्कूल के निकला तो लेट निकला. And was in great dread of a scolding. और क्या था मुझे, बहुत ज़्यादा dread means डर था, of a scolding यानी कि डांट का बहुत डर था. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. किस लिए डर क्यों रहा था वो स्कूल जाने से, especially किस वजह से, because M. Hamel कौन है, ये कौन है, टीचर है उसके, है ना, जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं उसके, उनके क्या हैं, टीचर हैं. had said that, उन्होंने क्या कहा था, M. Hamel ने क्या बोला था, that he would question us on participles, कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल क्या है, ग्रामर का चैप्टर है ना, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे हमसे. अब ये तो हर बच्चे का डर होता है ना कि टीचर पूछेगा क्वेश्चन. एंड
तो फिर आगे क्या, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में बोल रहा है कि मुझे तो उसका पहला वर्ड भी नहीं पता था कि वो क्या होता है। तो डर तो जायज़ है कि भाई उसको आता ही नहीं है तो वो जाकर क्या जवाब देगा, तो इसलिए वो डर रहा है स्कूल जाने से। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी कि एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना रनिंग अवे, यानी कि मैं भाग जाऊँ, यानी कि मैं स्कूल ना जाऊँ, बंक कर लूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और जो दिन है उसको कहाँ बाहर बिताऊँ, यानी कि घर भी ना रहूँ और स्कूल भी ना जाऊँ और बाहर दिन बिता लूँ पूरा। इट वॉज़ सो वॉर्म, सो ब्राइट, और वो क्या था उस, वो दिन कैसा था, बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकीला, यानी कि धूप थी बहुत। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स क्या, जंगल है ना, वुड क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स क्या होता है, जंगल। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे पर जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, चींची कर रहे थे, मतलब चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल क्या होता है, आरा मशीन होती है ना, तो उसकी मिल, यानी कि वहाँ पर जो आरा मशीन लगी हुई थी वो, तो वहाँ उसके जस्ट बैक साइड उस ओपन फील्ड में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना, ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, ट्रेनिंग कर रहे थे वो। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था, टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाला, है ना, तो ये सब कुछ मुझे ललचा रहा था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल के जो रूल उनसे ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें मुझे ललचा रही थी वहाँ रुकने के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर क्या थी, जो ये मेरे अंदर वो ताकत थी अब इस बात की कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं घर स्कूल ना जाऊँ और बंक कर लूँ, तो इस बात का विरोध करने की ताकत मुझ में थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल निकलने की, यानी कि स्कूल पहुँचने की, इतनी तो ताकत मुझ में थी। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब क्या है, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से, वो स्कूल जा रहा है ना, तो रास्ते की बात बता रहा है, रास्ते में उसने क्या क्या देखा कि भाई ओपन फील्ड में जो पर्शियन सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, दिन कैसा है और पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं, ये सब चीज़ें उसने हमें बताई। और अब जब वो स्कूल के वे टू स्कूल है, तो वहाँ पर क्या है, When I passed the whole town, जब मैंने टाउन हॉल पास किया, वहाँ से गुजरा, देयर वॉज़ अ क्राउड, तो वहाँ एक भीड़ थी, वहाँ भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर भीड़, के पास, के सामने भीड़ थी। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, अब बुलेटिन बोर्ड ये है, ये जो आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि आपको न्यूज़ मिलती है ना, आपके कोई भी नोटिफिकेशन होता है किस कोई चेंजेस से रिलेटेड या कुछ भी न्यूज़ होती है वो इस पर आप डाल देते हो। स्कूल में भी बोर्ड होता है ना, जहाँ पर नोटिस बोर्ड कहते हैं जिसको, तो ऐसे वहाँ पर नोटिस लगा देते हैं, सारे नोटिस वहीं से पढ़ लेते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, है ना, तो वैसे बुलेटिन बोर्ड होता है। फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले दो सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जो सारी जो बेकार खबरें थी ना वो वहीं से आई थी, मीन्स कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से, ठीक है, यानी कि कोई बेकार खबर होती थी, ऐसा नहीं है कि सारी बेकार खबरें छपती थी, लेकिन फिर भी जो भी चेंजेस आते थे, अब एक स्टूडेंट के लिए अगर आप कोई रूल रेगुलेशन वाला नोटिस लगा दोगे तो उसके लिए तो वो बेकार न्यूज़ है, बस जस्ट लाइक दैट। फॉर द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या है, देखिए इसको क्या कह रहा है कि भाई वहाँ से बुरी खबरें आती थी, किस चीज़ की, द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, यानी कि युद्ध हारने की, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, अब ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, टू फोर्स समबड़ी टू जॉइन द आर्म्ड फोर्स,
मतलब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आप किसी को जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली उसको कहो कि तुम्हें करना है ये, मतलब जबरदस्ती उसको आर्मी में भर्ती कर दिया जाए, है ना। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि जो कम ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स, तो वो सारी चीज़ें उस बुलेटिन बोर्ड से आती थी जो कि उनके लिए अच्छी नहीं थी, है ना। तो अब ये चीज़ बता रहे हैं वो कि भाई वहाँ से क्या क्या न्यूज़ आई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप सोचा विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि मैं रुका नहीं वहाँ, ये सब कुछ मैं चलते चलते सोच रहा था। विदाउट स्टॉपिंग मैंने बिना रुके सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है, यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई है, उसके सामने भीड़ लगी है, तो अब क्या मैटर हो सकता है कि अब कौन सी बुरी खबर आई होगी। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जब मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सकता मैं जा रहा था, जितनी जल्दी हो सकता, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर, क्या नाम है, वॉचर, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ था, विद हिज अपेरेंटिस, अपेरेंटिस मीन्स जो उसके स्टूडेंट्स थे, उसके साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि खबर को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, पीछे से बोला डोंट गो सो फास्ट, बब बब क्या है ये, एक बस एक लड़के को एड्रेस करने के लिए, किसी भी लड़के को एड्रेस करने के लिए एक नेम है, है ना, बब, जैसे कि बॉय बोल देते हैं हम, है ना, तो बस अ वे ऑफ एड्रेसिंग अ बॉय, बब, डोंट गो सो फास्ट बब, क्या कह रहा है वो ब्लैक स्मिथ, क्या बोल रहा है कि भाई इतनी जल्दी मत करो बब, यू इन पेलेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम अपने स्कूल में, तुम्हारे स्कूल पहुँचो तुम, उसके लिए क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम आराम से इजीली जा सकते हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, क्यों उसे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि वो खुद लेट था, है ना, और कोई लेट होता है और उसको फिर कोई और कहता है कि भाई तुम तो आराम से जा सकते हो, आराम से जाओ, तुम लेट नहीं हो रहे हो, तुम जल्दी मत करो, तो उसको क्या चीज़ लगी, वो अजीब लगा उसे, तो उसको लगा कि भाई ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड द एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाफते हाफते ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब हाफते हाफते, क्योंकि वो दौड़ता हुआ आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, स्कूल जाने की जल्दी है उसको, है ना, तो इस वजह से उसकी क्या हो गई है, सांस फूल गई है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और वो कहाँ पहुँच गया, हाफते हाफते वो एम हेमल के गार्डन में पहुँच गया। यूजली When school began, there was a great bustle, which could be heard on, sorry, out in the street. अब क्या कह रहे हैं कि usually, यानी कि प्राय, ज़्यादातर क्या, डेली ऐसा ही होता था। When school began, यानी कि जब स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था, there was a great bustle, bustle क्या होता है, शोर, है ना, हल्ला गुल्ला, ये तो क्या होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, कि बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर गली के अंदर भी सुनाई देता था बच्चों का शोर, द ओपनिंग द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब क्या कह रहा है, अब स्ट्रीट तक आवाज़ जाती थी, लेकिन किस चीज़ की, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क को खोलने की बंद करने की, बच्चे आपने स्कूल में कैसी आवाज़ आती है, यही तो आवाज़ आती है कि बेंच की, डेस्क की, है ना, तो वही आवाज़ उसको खोलने की बंद करने की, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ, कि सारे बच्चे एक साथ लेसन रिपीट करते रहते थे, बोलते रहते थे, है ना, वेरी लाउड, बहुत तेज, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, मतलब अपने हाथों को हम कहाँ रख लेते थे, अपने कान पे, टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते थे कि भाई अब सब बोल रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए हम दूसरों की ना सुनने के लिए अपने कानों पर हाथ रख लेते थे और ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, तो ऐसा तो हमने भी किया है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज़ की आवाज़ आती थी, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो टीचर का जो डंडा होता था, है ना, वो किसकी, टेबल पर रैप करने की, बजाने की आवाज़, टक टक करके बजाते थे ना, जब बच्चों को चुप करने के लिए बोलते हैं ना, ज़ोर से बजा देते हैं, तो इन सारी चीज़ों की आवाज़
गली के अंदर तक सुनाई देती थी, गली में भी सुनाई देती थी, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन आज क्या था, सब कुछ शांत था, सब कुछ शांत था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, अब मैं टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि कोमोशन मतलब क्या होता है, कोमोशन का मतलब होता है बसल, ये जो अभी हमने पढ़ा ना बसल, ग्रेट बसल, और बसल का मीनिंग क्या था, हल्ला गुल्ला शोर शराबा, तो वही मीन्स कोमोशन का है ना। तो क्या कह रहा है कि भाई आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मैंने क्या सोचा है कि भाई मैं है ना जल्दी से शोर शराबे में जल्दी से चुपचाप से निकल के और अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बिना नोटिस किए, कोई मुझे नोटिस करे उससे पहले मैं चुपचाप इस शोर शराबे में फटाफट से पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो, यानी कि संडे को क्या होता था, बच्चे स्कूल नहीं आते, तो बच्चे स्कूल नहीं आते तो स्कूल में क्या होता है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही उस दिन था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने देखा विंडो से देखा, जब मैं आ रहा था मतलब क्लास की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा विंडो से कि मेरे जो क्लासमेट्स थे ना, मैंने उनको देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विदाउट हिज सॉरी विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल थे, एम हैमल क्या कर रहे थे, वो वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, यानी कि जो उसकी आयरन की जो छड़ी थी उसको लेकर, टेरिबल मतलब भयानक छड़ी को लेकर, अंडर हिज आर्म्स यानी कि अपने आर्म हाथ के नीचे दबाकर उसको इधर से इधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे क्या करना था, मुझे दरवाज़ा खोलना था एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे अंदर सबके सामने जाना था, यानी कि सब कुछ शांत था और सब शांत थे तो मैं जब दरवाज़ा खोलूँगा तो सब नोटिस करेंगे ना मुझे कि कौन आया, तो इसलिए अब ये चीज़ कि भाई उसको दरवाज़ा खोलना था और उसको अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, अब आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मा रहा था एंड मैं कितना डर रहा था, ये बात आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं अंदर जाने से कितना घबरा रहा हूँगा कि सब मुझे नोटिस करेंगे, या तो मैं सोच रहा था कि कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, मैं जल्दी से शोर शराबा मच रहा होगा तो मैं आराम से फटाफट से जाके अपनी बेंच पर बैठ जाऊँगा, लेकिन अब क्या, अब सब शांत है तो मैं कितना ब्लश मीन्स क्या होता है, लाल हो जाना, शर्म से लाल हो जाना चेहरा है ना, तो वो चीज़ कि मैं कितना ब्लश कर रहा था और मैं कितना डरा हुआ था, ये आप इमेजिन कर सकते हो। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और मुझे बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से बोला, क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, या जल्दी से अपने जगह पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ, लिटिल फ्रेंच हेयर, यहाँ पर जो फ्रेंच है ये कौन है, नरेटर खुद का है, ये नरेटर का नाम है ये, है ना, फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, अब ये कौन बोल रहा है वी वर बिगनिंग, ये बोल रहे हैं एम हैमल की भाई हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आज की क्लास, तो जल्दी से तुम अपनी सीट पर जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. अब मैं जल्दी से मैंने क्या किया, I jumped over, यानी कि मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और जाकर कहाँ बैठ गया, अपनी डेस्क पर। Not till then, तब तक नहीं, अब ये आगे की बात बता रहे कि क्या, not till then, यानी कि तब तक तो नहीं, when I had got a little over my fright, fright means डर, कि जब तक कि मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर नहीं आ गया, तब तक तो नहीं, Did I see that, मैंने ये नहीं देखा, क्या नहीं देखा, That our teacher had on his beautiful green coat, कि जो हमारा टीचर है वो क्या है, वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है, his frilled shirt, और ग्रीन कोट के साथ उसने क्या पहना है, frilled कैसी होती है, ये जो आप देख रहे हो ना ये चीज़, frilled shirt, and the little black silk cap,
और लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप पहनी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, यानी कि कढ़ाई हो हुई हुई है ना, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि वो वाली ड्रेस वो कब पहनता था, सिर्फ 2 दिन पहनता था, और 2 दिन कब, एक तो इंस्पेक्शन वाले दिन और एक दूसरा प्राइज डेज वाले दिन। तो आज वो उन्होंने क्यों वो ड्रेस पहनी है, इट वॉज अनयूजल बिसाइड्स, यानी कि इस चीज़ के अलावा, ये जो चीज़ बता रहे हैं कि भाई टीचर ने क्या ड्रेस पहनी हुई थी, उसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, मतलब टीचर भी उनको क्या लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, और उसके अलावा क्या स्ट्रेंज लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सॉलम, सॉलम क्या होता है, गंभीर, सीरियस, सारा स्कूल कैसा लग रहा, सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, यानी कि वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो क्या थी, वॉज टू सी, ये देखा मैंने क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो बैक बेंचेस होती थी वो जो हमेशा ही क्या होती थी, एम्प्टी होती थी, खाली होती थी, आज क्या है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्व्स, जो विलेज पीपल थे, गांव के लोग थे, वो हमारी तरह ही क्या कर रखा था उन्होंने, हमारी तरह ही चुपचाप बैठे हुए थे, ओल्ड हो सर, ओल्ड बूढ़ा हो सर बैठा हुआ था, विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, यानी कि तीन तिकुनी हैट पहनकर बैठा हुआ था, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर कौन सा, जो प्रीवियस यानी कि पहले वाला, जो पहले था वो मेयर था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि पहले का जो पोस्ट मास्टर था वो था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। बट यहाँ पर हाईलाइट किन किन को किया गया है, एक तो ओल्ड होसर को किया गया है, फॉर्मर मेयर को किया गया है, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर को किया गया है, ठीक है। तो एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे ही उदास नज़र आ रहे थे, एंड होसर, और जो होसर है, होसर कौन है, होसर एक फार्मर था, है ना, यहाँ पर ये दिखाया तो नहीं गया है कि क्या है, कौन है, लेकिन ये एक फार्मर है और इसका नाम है, ये हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब देखो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर होती है अ बुक विद द बेसिक फैक्ट विद अ पर्टिकुलर स्कूल या पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक स्कूल के बारे में या फिर उसके सब्जेक्ट के बारे में लिखी होती है ना, थम्ड एट द एजेस, यानी कि वो इतनी पुरानी थी, ओल्ड प्राइमर लिखा हो ना, तो ओल्ड का मतलब क्या है, कि वो बुक इतनी पुरानी थी कि उसके ऊपर क्या थे, उसके ऊपर निशान भी थे, है ना, उसके किनारों पर निशान थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको क्या किया हुआ था, अपने घुटनों के ऊपर खोल के रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि उसका जो स्पेकल, यानी कि जो उसका चश्मा था, वो उसके ऊपर पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। Now students, remaining part of the chapter I will upload in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.